नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है सभी का मंडी भाव एडवाइजर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जानेंगे महाराष्ट्र के सभी मंडियों के कापूस के लाइव बाजार भाव के बारे में। किसान साथियों, आज दिन मंगलवार तारीख है 5 नवंबर 2024। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में महाराष्ट्र के सभी मंडियों के कापूस के भाव के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे कापूस का जो भाव है लगभग 2,750 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बगल में बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि कापूस की जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। किसान भाइयों, क्योंकि कापूस के विश्वसनीय और सटीक जानकारी आप लोग को इस चैनल से आती रहती है, तो किसान साथियों चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। चलिए किसान भैया, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कोरफना मंडी की, जहाँ पर 6,400 रुपये से लेकर 6,900 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे भद्रावती मंडी की, जहाँ पर 7,500 रुपये से लेकर 7,500 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे किन्वत मंडी की, जहाँ पर 6,500 रुपये से लेकर 6,800 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे सावनेर मंडी की, जहाँ पर 7,200 रुपये से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे नंदुरबार मंडी की, जहाँ पर 6,500 रुपये से लेकर 7,050 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे बरोरा माडेली मंडी की, जहाँ पर 6,850 रुपये से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे बरोरा मंडी की, जहाँ पर 6,900 रुपये से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे किलेदारूर मंडी की, जहाँ पर 7,100 रुपये से लेकर 7,100 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करें बडमनी मंडी की, जहाँ पर 6,500 रुपये से लेकर 6,900 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। बात करेंगे समुद्रपुर मंडी की, जहाँ पर 6,500 रुपये से लेकर 7,236 रुपये प्रति क्विंटल का जो कि कापूस का बाजार भाव देखने को मिली है। किसान साथियों, सटीक जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।